प्रेज लॉ सभी को जय मसीह की। मेरे जीतो एक अनोखा टॉपिक और एक अनोखी बात पर उन्हें बताई, कैसे बताई मैं आपको बताऊंगा। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, वचन प्रार्थना आशीष सब तेरी ओर से हो, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। मेरा जो छोटा सा संदेश है, ये संदेश बहुत खास है उन लोगों के लिए जो किराए पर रहते हैं मकान, यानी कि जो मकान पर किराए पर रहते हैं और जिनका सपना अपने मकान का या अपनी निजी का। देखो प्रभु हमें सारी आशीष देता है, जब हम प्रभु से दूर होते हैं तो आशीष हमसे दूर होती है, जब हम प्रभु के पास आते हैं तो सारी आशीष ऐटोमेटिकली अपने पास आने लगती है। कि प्रभु ने मती 6 के तहत में लिखा है कि तुम मेरे राज्य खोज कर सारी वस्तु तुझे मिल जाएगी। लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चों की, बहुत सारे घर की एक तमन्ना होती है निजी मकान की। ये मेरे पर कैसे टॉपिक आया, मैं कहता ना प्रभु मुझे बहुत सारी बातें प्रैक्टिकल कर बताते। आइए प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। धन्यवाद करते पिता, आज का वचन सबके जीवन में कार्य करे और आज जो भी लोग मांग रहे, जिनके मन की इच्छा पूरी कर रहा, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु ने कहा है कि सारा अधिकार मुझे ही दिया गया है, यानी कि प्रभु कह रहे हैं अपने यीशु मसीह ने कहा है, और पृथ्वी और स्वर्ग का भी, तो यानी कि पृथ्वी का अधिकार भी हम पे हो। लेकिन बहुत सारी चीज़ ऐसी होती है जब हम प्रभु से दूर थे, जैसे मैं प्रभु से दूर था तो मैं सिर्फ तमन्ना करता था, मन की इच्छा, प्रेज द लॉर्ड, मैं मन की इच्छा पूरी हुई नहीं, सिर्फ सोचते रहता था काश ये मिल जाता, काश वो, मतलब एक मन की इच्छा हर किसी की होती है। लेकिन जब पाप के कारण वो मन की इच्छा मर जाती है, समझ रहे हो आप, और प्रभु से दूर होकर मन की इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकती। लेकिन परमेश्वर का वादा है कि मैं तेरी मन की इच्छा पूरी करूंगा। और जैसे जैसे हम प्रभु में आते हैं, हम स्पिरिचुअल वरदान में बढ़ते हैं, आत्मिकता में बढ़ते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि मैं धन देता हूं, उसमें दुख नहीं मिलाता हूं। हालेलुया, मैं तेरी मन की इच्छा पूरी करूंगा। उसके बाद प्रभु ने मेरी मन की इच्छा पूरी करना शुरू कर दिया। जैसे मुझे प्लेन में बिठाया, मैं यही कहता था प्लेन में कैसे बैठेंगे, ताकि परमेश्वर का धन्यवाद दो कि प्रभु ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। और ऐसे ही करता है, जब मुझ जैसे पापी इंसान को बदल सकता है, दास बना सकता है, तो क्या सारी मन की इच्छा पूरी नहीं करता। लेकिन बस मन की इच्छा यही हो कि किसी का नुकसान ना हो, ना ही कोई ऐसी बात हम कहे कि जिससे कि प्रभु भी नाराज हो जाए, है ना। परमेश्वर हमारी मन की इच्छा जानता है, बिल्कुल जानता है। लेकिन प्रभु से दूर होने के बाद हमारी मन की इच्छा क्या हो जाती है, वो गायब हो जाती है। इच्छा तो होती है, पूरी नहीं हो पाती। लेकिन प्रभु ने एक वादा कराया, क्या वादा कराया, भजन संहिता 20 और उसका 4 पद, भजन संहिता 20 अध्याय का 4 पद में लिखा है, वह तेरी मन की इच्छा पूरी करे और तेरी सारी युक्ति को सफल करे। हालेलुया, तेरी मन की इच्छा पूरी करे जो परमेश्वर की अकॉर्डिंग हो। देखो पहले हमें प्रभु में आना पड़ेगा, क्योंकि जब हम प्रभु में आएंगे ना तो हमारे मन में अच्छी ही इच्छा आएगी। याद रखना, शैतान में बुरी इच्छा आएगी, लव मैरिज हो जाए, इस लड़की से हो जाए, ये पाप हो जाए, ये पाप हो जाए, वो शैतान की मन की इच्छा है। याद रखना, शैतान की मन की इच्छा जब होगी, जब शैतान हमारे अंदर होगा तो हमारे मन में क्या होगी, उटपटांग बातें आएगी। लेकिन जब हम प्रभु में आएंगे तो सारी ये इच्छा तो कैंसिल हो जाएगी, फिर वो इच्छा आएगी जो नॉर्मली होती है, प्रभु के काम के लिए इच्छा आएगी, समझ रहे हो आप, है ना, प्रभु के काम के लिए इच्छा आएगी और अपने घर को अच्छा करने के लिए इच्छा आएगी। वही मैं सोच रहा था, ये जुलाई अगस्त सितंबर बारिश के महीने होते हैं और मैं रेंट पे रहता हूँ, तो ये देखो प्रभु ने मुझसे क्या कहा, मैं रेंट पे रहता हूँ और इन और काफ़ी सालों का यहाँ पे रहते हुए मुझे, जहाँ पे मैं रहता हूँ अब ये मकान क्या हो गया, बहुत काफ़ी नीचे हो गया, काफ़ी नीचे, मतलब आप जानते हो कि जब सड़क बनती है तो सड़क ऊँची होती है, मकान नीचे, इसमें आप ये बरसात का पानी भरने लगा, तो बरसात में थोड़ी टेंशन होने लगती है कि प्रभु काम तो करना ही है, क्योंकि चिंता को दूर करके ही प्रभु का काम होता है। अपनी चिंता नहीं देखता प्रभु के दास, सामने नहीं देखता, ही प्रभु का खुद का ये कहते हैं ना एक तरीका प्रभु ने दे रखा है, एक काम दे रखा है। तो मैं जब ये सोच रहा था तो प्रभु ने मेरे मन में डाला कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन पर अपनी छत नहीं है, जो किराए के मकान में है, जिन पर निजी नहीं है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी मन की इच्छा पूरी कर नहीं पा रहे, श्राप के कारण, पाप के कारण या शैतान के कारण, कोई ना कोई कारण, बहुत तो कि बच्चों की मन की इच्छा होती है। तो आज मैं प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर आपकी मन की इच्छा करे, इच्छा पूरी करे, और खासकर जो किराए के मकान में है वो इसी साल अपने मकान में आएंगे, ये भविष्यवाणी प्रभु ने करवाई है। हालेलुया, ये परमेश्वर की ओर से, क्योंकि प्रभु कहता है मैं तेरे मुंह में सामर्थ्य दे रखी है, तो जो मांग मैं दूंगा, हालेलुया, तो मैं अपने लिए कैसे मांगू अपने मकान के लिए, तो प्रभु ने कहा तू दूसरों के लिए मांग। हालेलुया, तो ये परमेश्वर ने मुझे सिखाया है मेरे से, तो यही आपको है, जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर अपने आप हमें देता है। तो जब मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा तो मैं आपका कर्तव्य का प्रार्थना खुद करोगे तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को क्या करेगा, सुनकर आंसर देगा। हालेलुया, तो आज प्रभु ने मुझे दिखाया बहुत लोग, अधिकतर लोग किराए के मकान में है, मकान सही नहीं है या फिर कॉलोनी सही नहीं है, उनका इच्छा है, उनके बच्चों की इच्छा है कि अपने मकान में जाए। आज परमेश्वर वो इच्छा, मन की इच्छा पूरी करेगा, और जो भी आपके मन की इच्छा है, या चाहे स्पेशल लाइफ की हो, चाहे कोई भी हो, वो सारी इच्छा प्रभु पूरी करने वाले यीशु मसीह के नाम में, बोलो आमीन। तो परमेश्वर धन्यवाद करते हैं कि जो लोग प्रभु में आ गए, अपने आप को बदल लिया है और प्रभु में चल रहे हैं, उन सबकी इच्छा प्रभु पूरी करने वाले, और हो सकता है
कि बहुत बहनें बहुत भाई अपने मकान की प्रार्थना कर रहे होंगे, तो आज परमेश्वर ने यहाँ से भविष्यवाणी करवा दी ताकि आपकी इच्छा पूरी हो सके। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, तूने जैसा बोला वैसे मैंने बोला, क्योंकि तेरे दास पर पिता परमेश्वर जब ये संकट आया, जब पिता बरसात का पानी भरता है, तो तूने मुझे जगाया कि बहुत लोग ऐसे हैं जो किराए पे मकान में रहते हैं, जिन पे छत नहीं है, दिक्कत में है। आज पिता उनकी मन की इच्छा पूरी करे, उनको निजी मकान दे। ये भी आपका पिता आशीष है पिता, क्योंकि आप सारी आशीष पूरी करते हो। क्योंकि आपने वचन कहता है, मैं तुम्हें नीचे नहीं ऊपर उठाऊंगा, मैं तुम्हें सब जात में श्रेष्ठ करूंगा। ये आपका ही वादा है। बस हम आप में चले, आग बंद करके आप में चले, और जब आत्मिक में हम चलेंगे तो सारी इच्छा पूरी होगी, जैसे आप मेरी इच्छा पूरी कर रहे हो। आज जितने भी लोग पिता परमेश्वर अपने मकान की प्रार्थना कर रहे, प्रॉपर्टी की प्रार्थना कर रहे, उनकी इच्छा पूरी करना, और पिता उनको इसी साल अपने निजी मकान देना। पिता जिन्होंने लिख लिया है वो इसी साल अपने निजी मकान में आ रहे, यीशु के सामर्थ्य नाम में। और जो भी इनकी मन की इच्छा है, जो पिता आपके अकॉर्डिंग है, वो सब पूरी करना पिता। अपने प्रार्थना से धन्यवाद करते हो, जो ये प्रार्थना कर रहे तेरे दास के लिए वो रिटर्न देना पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू, जय मसीह की। तभी प्रभु का वचन कहता है एक दूसरे की प्रार्थना करना जरूरी है। परमेश्वर ने मुझे आपके लिए कहा और प्रभु ने आपसे मेरे लिए कहा, प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। याद रखना, आज की डेट नोट कर लेना, ताकि जब प्रभु मकान की आशीष दे तो मुझे गवाही के साथ आप आ सको। गॉड ब्लेस यू, जय मसीह।